अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे। आप लोग सब अपने घरों में हंसी खुशी आबाद रहें। दोस्तों मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है वैसे व्हीकल्स इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन कुछ वीडियोज़ जो है वो मैं अक्सर मोटरवे पर मेरा सफ़र रहता है, तो जिस वजह से मैंने कुछ रेस वाली वीडियोस जो है ना वो उसमें अपलोड कर दी। पहले मैंने वैसे एक अपलोड किया लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद की, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, तो मैंने दोबारा फिर वैसी एक वीडियोस अपलोड कर दी। फिर एक इस तरह की वीडियोस को लोगों ने ज़्यादा लाइक किया है, ज़्यादा पसंद किया, इस तरह की वीडियोज़ को ज़्यादा लोगों ने देखा है। जो आम वीडियोज़ और दूसरी बार होती है ना वो बहुत कम लोगों ने देखा है। मुझे भी शौक़ नहीं है इतना गाड़ी भगाने का, छोटी गाड़ी को इतना ज़्यादा हाई स्पीड लगाने का, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कभी मैं इस तरह का काम ना करूँ, और बल्कि इंशाल्लाह छोड़ दूँगा। काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कभी आप इस तरह ना रेस लगाया करें, ये छोड़ दें आप। मैं इंशाल्लाह ये अब रेस का जो काम है ना वो छोड़ दूंगा, नहीं लगाऊंगा। वैसे भी मैं एक दो मिनट से ज़्यादा जो है ना वो रेस नहीं, तीन मिनट चार मिनट से ज़्यादा मैं गाड़ी को नहीं भगाता। फिर मैं 120 की स्पीड पे भी रहता हूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं मोटरवे पे हर दूसरे चौथे दिन जो है ना मुझे जाना पड़ता है हर दूसरे सिटी में, तो इस वजह से फिर जो है ना मैं मोटरवे पे अक्सर मेरा सफ़र रहता है। मैं लोग मुझे कमेंट्स में बहुत कुछ कहते हैं, कुछ गालियाँ देते हैं, कुछ आवारा टफर बहुत कुछ कहते हैं। मैं कभी किसी का माइंड नहीं करता, ठीक है हर कोई जो भी कहता है कहता रहे। मैं बिज़नेस करता हूँ अपना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरा अपना और अच्छा बिज़नेस है, कोई आवारा नहीं मैं घूमता, कहीं आवारा नहीं मैं जाता, वो भी मैं अपने बिज़नेस के टूर पे जाता हूँ, तो इस वजह से मोटरवे के ऊपर मेरा सफ़र रहता है अक्सर। तो मैं बस सफ़र में कोई वीडियोज़ वगैरह को बना रही तो बना रही, नहीं तो मैं YouTube वैसे ही YouTube चैनल मैंने वैसे एक दिन बैठे बैठे ऐसे बना लिया। मैंने कोई पूरी प्लानिंग नहीं थी मेरी इसके ऊपर काम करने की, लेकिन अब इस तरह लोगों ने वीडियोज़ को पसंद किया है, अब मेरा दिल करता है कि मैं वीडियोज़ बना के शेयर करूँ। इस टाइम मैं अपने दफ्तर में खड़ा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस करता हूँ, मेरा अपना बिज़नेस है। सलेंटी का और जानवरों का फार्म है, ब्रीडिंग का मैं काम करता हूँ, गायें वगैरह मैंने रखी हुई हैं, उनके ब्रीडिंग का भी काम होता है माशा, और ट्रांसपोर्ट का भी मेरा काम है। अभी मैं अपने दफ्तर में खड़ा हूँ, ये एक रूम है दफ्तर का और दूसरा रूम इधर है जो मीटिंग रूम है हमारा, ये हमारा मीटिंग रूम है, ये बाहर मेन सड़क की तरफ खुलता है दरवाज़ा, इधर सामने जो है ये हमारी लोडिंग की गाड़ी भी खड़ी है बाहर, और गाड़ियां जो है बाकी वो सप्लाई पे निकल गई हैं। तो फैक्ट्री का भी मैं आपको वैसे थोड़ा सा दिखाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी फैक्ट्री का विज़िट करवाऊँगा, अपनी पूरी फैक्ट्री जो है ना आप लोगों को दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को वैसे थोड़ा सा फैक्ट्री का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गेट है फैक्ट्री का, ये सामने जो है ये भी दफ्तर है, ये इस साइड पे जो है ये सारी फैक्ट्री का निज़ाम है, ये ऊपर सारी बिल्डिंग जो है ये फैक्ट्री की है, अंदर उधर भी इस साइड पे भी सारे, यानी कि ये हमारी फैक्ट्री का पूरा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगली वीडियो में अपनी पूरी फैक्ट्री का विज़िट भी करवाऊंगा, अपनी पूरी फैक्ट्री आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रोसेस भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे जो है ना ये काम हो रहा है, किस तरह हम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, मैं कोई आवारा नहीं घूमता, अक्सर मुझे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि भाई तुम आवारा घूमते हो, आवारा हो, ये गाड़ी इतनी भगाता है इसके बाप के पैसे। यार मैं अपना बिज़नेस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दूसरे शहरों में मुझे जाने के लिए जाना पड़ता है काम के सिलसिले में, मैं बिज़नेस के सिलसिले में जाता हूँ, हर हफ्ते में एक चक्कर मेरा ज़रूर लग जाता है अदर सिटीज़ में। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो है ना वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में कल्टस इन डेज़र्ट में जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको
कल्टस दिखाऊंगा कभी कैसे रेत के पहाड़ के ऊपर चढ़ती है, कैसे रेत के अंदर कैसे कल्टस को चलाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आया करेंगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।